नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ पर जारी रहेगा बैन, पीएफआई पर भी एक्शन की तैयारी। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने की समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी, किया लोहिया का जिक्र। नितिन गडकरी बोले, इतिहास का इस्तेमाल गलती खोजने के लिए ना हो विवाद से फायदा नहीं। अजान बनाम हनुमान चालीसा से नाखुश हैं काशी के महंत, बोले बना राजनीतिक एजेंडा। केंद्र ने मानी कोयले की कमी की बात, भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में हो सकता है बिजली संकट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में कोयले की कमी हुई है। हिंदू सेना ने जेएनयू के गेट पर लगाए झंडे, पोस्टर पर लिखा भगवा जेएनयू। शाखाओं के विस्तार से 2024 की जमीन तैयार करेगा आरएसएस, अयोध्या के संघ ने दिया बड़ा संदेश। अब इंटरनेशनल न्यूज़। अब मिस्र को गेहूं बेचेगा भारत, यूक्रेन युद्ध के कारण मिला नया बाजार। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री को पड़ा दिल का दौरा, पुतिन से हुई थी अनबन। जो बाइडेन ने भी दी महावीर जयंती की शुभकामनाएं, पढ़ाया अहिंसा का पाठ। इमरान खान का रूस जाना शर्मनाक था, लेकिन हम भी साथ थे, पाक आर्मी का कबूलनामा। अब उत्तराखंड न्यूज़। उधम सिंह नगर पुलिस ने महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने पर 3 बहनों पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल महिला का एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था, प्रेमी ने वीडियो कॉल के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोप है कि प्रेमी की पत्नी ने अपनी बहनों के साथ मिलकर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 6 महीनों से बिना टैक्स जमा किए उत्तराखंड में चल रहे हैं यूपी रोडवेज की बसें। प्रायश्चित नहीं गंगा पूजन करने आया हूं, कांग्रेस से विधायकों की नाराजगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। उत्तराखंड पीसीएस के आंसर की जारी, 20 अप्रैल तक कर सकते हैं चैलेंज, इसके बाद जारी होगा रिजल्ट। उत्तराखंड में दक्षिण से आ रही नम हवाओं के चलते वनाग्नि से राहत, आग की घटनाओं में अप्रत्याशित कमी। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं हार्दिक पांड्या, बैटिंग बॉलिंग में हिट, लीडरशिप में भी धमाल। गुजरात ने लगाया जीत का चौका, हार्दिक ने बनाए नाबाद 87 रन। पाकिस्तानी प्लेयर के साथ एक टीम में चेतेश्वर पुजारा, दोनों का हुआ डेब्यू। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में कुश्ती निशानेबाजी को जगह नहीं, भड़क गए भारतीय पहलवान। अब एंटरटेनमेंट न्यूज। रणबीर कपूर की दुल्हन बनी आलिया भट्ट, कल दोपहर 3 बजे का था मुहूर्त। प्रेग्नेंट है 40 वर्षीय ब्रिटनी स्पीयर्स, गुड न्यूज देते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। रणबीर कपूर की हुई आलिया भट्ट, जश्न में डूबा परिवार, वायरल हुई फोटोज। अब वायरल न्यूज। कुत्ते की जान बचाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया अपना खूबसूरत हर्ब गार्डन, फैंस कर रहे हैं काफी पसंद।